फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्लब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा, जो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में बात करें तो जिस तरह से मॉर्निंग में 8 o'clock के बाद में SGX निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा था एक गिरावट, उसी हिसाब से ओपनिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या ऐसा बोलिए पहला ही कैंडल निगेटिव था एंड हमने 14,738 के लेवल को तोड़ दिया। क्लोजिंग हमारी कल बेहतरीन हुई थी 14,855 के आसपास में, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब वहां से आज के दिन में लगभग आप देखें तो आपको 150 से 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल पूरा दिन फ्लैट ट्रेड था, 14,738 के आसपास में दिन भर हमने गुजारा, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों के अंदर में फॉल थोड़ी गहराती हुई नजर आई, जो कि 14,690 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जो निफ्टी के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, उसमें पहला 14,700 आज के दिन में, दूसरा मैं बोलूंगा 14,700 आज के दिन में टूटता हुआ नजर आया हुआ है। 14,738 के ऊपर जाते ही आपको एक बार थोड़ा सा ट्रेड पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है एंड 14,660 यहाँ पे एक टू आप इसे बोल सकते हैं, इसे इसके नीचे अगर जाते हैं तो थोड़ा सा ट्रेड नेगेटिव होता हुआ नजर आ सकता है एंड लास्ट सपोर्ट आपके लिए 14,596 का है। मुझे नहीं लग रहा है कि कल के दिन में ये तीनों लेवल देखने को मिलेगा, जिस तरह से फिलहाल SGX निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है 62 के आसपास में। ये अगर ये माहौल समझ के चले 65 के आसपास में, तो इस माहौल के हिसाब से समझ के चले तो कल के दिन की जो ओपनिंग होगी वो ओपनिंग आपकी 14,785 के आसपास में होनी चाहिए, अगर इसी तरह से पॉजिटिव काम हुआ कल सुबह 9 बजे तक। तो अगर तो इसे ही कंसीडर करते हैं और इसके हिसाब से काम कर रहे थे, क्योंकि आज US मार्केट के अंदर में न्यूज है जिसके चलते हुए वहां पे एक्टिविटी या एक्शन देखने को मिलने वाला है। सो कल के दिन में दो ओपनिंग पोजीशन ले लेते हैं। लेट्स से कल के दिन में 14,785 के आसपास में अगर ओपन होते हैं तो क्या होगा। सो फर्स्ट कंडीशन से 14,785 के आसपास में अगर ओपन होते हैं तो क्या होने वाला है। इन दैट केस टारगेट रखे 14,900 का। अगर 14,785 के आसपास में ओपन होता है तो टारगेट 14,900 का बनेगा। एक छोटा सा आपको बीच में प्रॉब्लम देगा, वो होगा 14,855। सो इस लेवल के आसपास में तो पक्का पहुंचेंगे, और अगर यहां पे पहुंचते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करिए। 14,900 वर्चुअली आने के भी चांसेस बनते हैं अगर मूड माहौल बुलिश हुआ तो। लेकिन अगर 14,785 के आसपास से पहुंचे और आपने लॉन्ग बना लिया, लेट्स से आपने लॉन्ग बना लिया, तो किन लेवल्स पे नजर होनी चाहिए कि अगर वो टूटे तो नीचे की तरफ आपको ओपनिंग होती है या नीचे की तरफ फॉल होता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए आज का ओपनिंग लेवल नजर रखिए 14,812। जब तक आप 14,785 पे ओपन करते हैं उसके बाद में 14,800 क्रॉस करते हैं उसके बाद की बात कर रहे हैं, जब तक आप 14,750 के ऊपर काम करते रहेंगे तब तक पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस बनते हैं। सो 14,785 के आसपास में ओपन होता है, लॉन्ग बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 14,750, टारगेट 14,855 एंड 14,900 आते हुए नजर आ सकता है। लेट्स से आपने गैप डाउन ओपनिंग की और वहां पे कॉन्ट्रा कॉल हो गया, अगर गैप डाउन ओपनिंग की तो 14,660 के नीचे जाते ही आप 14,500 के लेवल के लिए काम कर सकते हैं। सो एक बार अगर 14,660 के नीचे जाते हैं तो सेल कर सकते हैं या शॉर्ट बना सकते हैं, जो कि आपको 14,596 के लेवल पे जाता हुआ नजर आ सकता है। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा 14,660 का, अगर यहाँ पे पोजीशन बना रहे तो 14,700 आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ सकता है। सो ओपनिंग अगर इसके आसपास में हुई तो ये ट्रेड ले सकते हैं, अगर ओपनिंग 14,660 के अगर इसके नीचे होती है या इसके आसपास में होती है तो ये टारगेट शॉर्ट किया जा सकता है। फिलहाल जिस तरह का मूड माहौल है हो सकता है हम पॉजिटिव ओपनिंग देते हुए नजर आए। ना अगर डेली कैंडल पे देखेंगे, डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर में आपको एक हरामी पैटर्न बनता हुआ नजर आया। जापानीज में इसे जापानीज हरामी पैटर्न बोलते हैं कैंडल स्टिक में, जो कि एक प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंट वुमेन को वहां पे ये बोला जाता है। सो ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, अगर ये किसी रैली के बाद आया होता तो डेफिनेटली चांसेस बनते थे यहां से नीचे जाने के। सेकेंड चीज अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर लेवल जिसके आसपास में हम कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, कल भी हमने फेस किया था, कल के वीडियो में इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया हुआ था। बढ़िया चीज खाली आज के कैंडल की है कि हमने किसी भी तरफ में
ब्रेकआउट आई मीन टू से ना ही हाई ना ही लो यस्टरडे का हमने ब्रेक किया हुआ है, तो इनसाइड कैंडल बनता हुआ नजर आया। कल पूरी नजरें होंगी 14,738 के ऊपर काम करें, और आज का जो हाई लेवल है आपका हाई आज का बन रहा है 14,809 के आसपास में, आज के हाई को तोड़ता हुआ नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली टारगेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं 14,900-14,857 की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल सेटअप अभी भी निगेटिव नहीं है, जब तक आप इस तीन लाइन के अंदर काम करते रहेंगे निगेटिव होने के चांसेस नहीं है, जब इसके नीचे जाएंगे तो ही व्यू निगेटिव बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और कल के दिन में एक भारी भरकम गेम हो सकता है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन गैप अप ये होने के चांसेस है कल के दिन में, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रैप होते हुए भी लोग नजर आ सकते हैं। फिलहाल आज का अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, हमने क्लोजिंग 14,700 के आसपास दी है, और 14,700 पे 36,821 एंड 32,352 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं दोनों ओपन इंटरेस्ट अपने आप में दमदार है, बढ़िया है। सो अगर कल मान के चलते हैं गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 14,750-14,800 के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है और उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन कर जाते हैं, इन दैट केस 20,616-18,731-36,821 ये जो 14,500-14,600-14,700 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ये प्रेशर में आएंगे। अगर 14,800 के ऊपर काम होना चालू होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग रैली बनती हुई नजर आ सकती है, इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग रैली यहां से भी नजर आ सकती है आपको, और उसके चलते हुए आप 14,900 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ लेट्स से 14,600 के आसपास यानी 100 पॉइंट नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, सो इन दैट केस 16,198, 11,284 एंड 15,000 पे 25,509 लॉट का जो ओपन इंटरेस्ट है ये प्रेशर क्रिएट करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग करने के लिए। और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो नीचे की तरफ जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो 14,500 के आसपास मिलेगा, यानी इन लेवल्स पे जाते हुए भी हम नजर आ सकते हैं, इन लेवल पे भी पहुंचने के चांसेस बनते हैं इन दैट केस। सो ओवरऑल कल ओपनिंग के ऊपर में ज्यादा नजर होनी चाहिए। आज क्या हुआ दिन भर में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिली है। अगर आप क्वाड्रेंट वन क्वाड्रेंट टू की बात कर रहे हैं तो भरपूर यहाँ पे बढ़िया राइटिंग, कॉन्फिडेंट राइटिंग, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में राइटिंग होते हुए नजर आ रही है ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और अगर मैं पुट साइड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है, तो कॉन्फिडेंस पुट राइटर्स के अंदर में थोड़ा कम था, कॉल राइटर्स में आज के दिन में दमदार कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, और वो भी क्यों ना जब हम 154 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं। कल का रेंज क्या हो सकता है, कल का रेंज 200 पॉइंट, 14,700 से 200 पॉइंट का रेंज लेके चलिए, 14,500 एंड 14,900 इसके बीच में ही काम होना है, 200 पॉइंट कल दिखना ही दिखना है चार्ट के ऊपर में आपको। 14,500 के चांसेस मुझे कम लग रहा है, 14,000 जिस तरह से माहौल फिलहाल दिख रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और 14,900 के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ये सब तय होगा कल मॉर्निंग में 9 o'clock SGX निफ्टी को देखते हुए। फिलहाल SGX निफ्टी 67 पॉइंट अप है, उसके चलते हुए मुझे लेवल आते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, थोड़ी देर में बैंक निफ्टी का व्यू भी शेयर करेंगे, आप जैसा पहले बताया आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी एंड आने वाला फाइनेंशियल ईयर आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।